मोरी जान गई, ओ तोरा खेल हुआ मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा। बेबोकी करनी आपने आज क्या? बिल्कुल बंदी जो मॉम करती है वो आपने। नील की गर्मी पर आप लोग मेरी बीवी बच्चों को होने का इल्जाम है, उसके दामन पर दाग डाल। अपनी खुद की बहू को बेइज्जत करते आप लोग के दिलों में ठंडक मिल रही। लौट आई अपनी अवनी के घर छोड़कर जाने के बाद आज खन्ना हाउस में देखने को मिला बेबे का पछतावा। मेरी बुढ़िया को फर्क पड़ गया था, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। बेबे अगर आपको माफी मांगनी है ना तो अनन्या से मांगना। बेबे अवनी के घर छोड़कर जाने के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही हैं, अपने आप को कोस रही हैं, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। नील बाबू भी बेबे से ये कह रहे हैं कि चलो आपने ये तो माना कि अवनी बेकसूर है। well, हाँ बहुत ही ड्रामेटिक सीन है। जो अवनी है, अवनी घर से निकल चुकी है और उसे बहुत ही बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला है। सो मैं बस आके इन लोगों को सुना रहा हूँ कि यार ये कोई तरीका नहीं होता एक औरत के साथ ऐसे बिहेव करने का, बिकॉज़ वो लोग खुद औरत है, मॉम बेबे सबको सुना रहा हूँ। और रिया भी सच्चाई बता देती है बेबे को कि हमारी मेरी और रिया की शादी होने वाली थी, तो बेबे शॉक रह जाती हैं। और फिर डीडी आता है, डीडी को मैं पेन ड्राइव में एक चीज़ मंगवाता हूँ, उसमें की फ़ोटोज़ है मेरी और रिया की और एक वीडियो है जिसमें जिससे कि ये प्रूव होता है कि रिया सिर्फ मेरी मदद कर रही थी, ऐसा कुछ जिसमें जो फोटो में दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। घर से बेइज्जत होकर अवनी घर छोड़कर चली गई थी और आज नील ने इस वीडियो की मदद से घर वालों की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। कुछ हालात ऐसे हुए कि अनन्या को नीला माँ ने और नील ने उनका प्यार देखकर अनन्या वापस आने का फैसला लेती है और वापस आ जाती है। हालांकि अवनी ये सब नहीं जानती कि नील ने उनके पीछे घर वालों के सामने उनकी बेगुनाही के सबूत रखे, तब जाकर बात बनी पता नहीं। लेकिन अवनी के मन में क्या चल रहा है ये तो अवनी ही जाने। मन में ये चल रहा है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, काफ़ी हद तक सिचुएशन हैंडल हो गई है, नील ने कर ली है, नीला माँ ने कर ली है। सो अभी नील के लिए फिर से एक रिस्पेक्ट जाग उठा है अनन्या के मन में, फिर से वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड अनन्या फील कर रही है। और वैसे ही आते ही नील को देखते ही वो अनन्या उसे हग कर लेती है और बस आगे आपको देखने को मिलेगा किस तरह से मैं और नील फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। सब खुश हैं अवनी के वापस घर लौटने की खुशी में, लेकिन श्वेता को तो काटो खून नहीं। अवनी को देखकर इनके तो होश उड़े हुए हैं, लेकिन जो भी हो एक बार फिर अवनी और नील अपने रिश्तों में ताजगी महसूस कर रहे हैं। जो भी हुआ था नील ने जिस तरह से भी अनन्या को बेगुनाह साबित किया या घर वालों के सामने उसको उसका फिर से एक रिस्पेक्ट बढ़ाया, वो अनन्या को अभी तक नहीं पता है कि क्या किया, ऐसा क्या हुआ। सो बस बट फिर भी जो कुछ भी नीला माँ ने मुझे बताया उसके बाद में से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी अभी। ठीक है मत बताइए, अगर कोई ट्विस्ट नहीं आया तो सब ऑल इज वेल है। और हाँ श्वेता से जरा बच कर रहिएगा, ये इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाली, कोई ना कोई कांड जरूर करेंगी। मुंबई से श्रुति वरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।